नाजरीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर, हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहिए, यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों की कमी काफी है, इसलिए मैंने सोचा कि आर्ट्स लूं और लड़कियों की नुमाइंदगी करूं। ये बातें पश्चिम बर्धमान जिले में जिसमें उर्दू मीडियम में अव्वल मकाम हासिल करने वाली तालिबा और मशहूर सहाफी व नकीब मास्टर इम्तियाज अहमद अंसारी की दुख्तर आरिफा तहसीन ने हमारे नुमाइंदे से कही। आरिफा ने मजीद कहा कि आज के जमाने में तालीम सब कुछ है, बगैर तालीम के यहाँ पे किसी को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। इस मौके पे मास्टर इम्तियाज अहमद अंसारी के वालिद गुलाम मोहम्मद अंसारी और उनके साहबजादे तलहा इम्तियाज खास तौर से मौजूद थे। आप पश्चिम बर्धमान जिले में उर्दू मीडियम में अव्वल मकाम हासिल किया, कितना मार्क्स मिला और आपको क्या लगता है कि इस कामयाबी के पीछे कौन जी? इस बार मैं ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में मेरे 470 मार्क्स आए हैं और इसके पीछे मेरे, चूँकि टेंथ में हम यहाँ पर आसनसोल के एक अच्छे स्कूल हमदर्द पब्लिक स्कूल से पास किए हैं और वहाँ पर टीचर्स ने काफ़ी एफर्ट्स दिया मुझ पर और काफ़ी अच्छा उन लोगों ने मुझ पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से टेंथ में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ और ट्वेल्थ में मैंने एडमिशन लिया रहमानिया स्कूल में, रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल में, और वहाँ पर भी टीचर्स के काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स रहे, बहुत अप्रिशिएट किया। और साथ ही साथ मैंने कोचिंग किया सनशाइन एडुकेयर से, वहाँ पर टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने वाले, अप्रिशिएट करने वाले और काफ़ी मोटिवेटिव थे। उन लोगों के मोटिवेशन और साथ ही साथ फैमिली एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे, सभी ने जोर दिया कि काफ़ी अच्छे से किया जाए, तो जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट हो सका है। और साथ ही साथ जी, जिस तरह से मैंने बताया कि टेंथ में मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था तो सब ने सजेस्ट किया कि साइंस लेना ज़्यादा बेटर होगा मेडिकल लाइन में जाना, लेकिन फिर मेरा ख्याल आया कि नहीं, हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग के मुस्लिम लड़कियों की कमी काफ़ी है, तो हम लोग, मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स लूँ और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाकर वहाँ पर लड़कियों की नुमाइंदगी करूँ, क्योंकि हमारे कौम में, हमारे माशरे में लड़कियों को यहाँ पर ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, इतनी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। जी, मेरी हॉबीज़ में मुझे पेंटिंग करना पसंद है, स्केचिंग, और मतलब खाली टाइम पे ऐसे ही कुछ भी घर में, जैसे मुझे कुकिंग में कुछ चीज़ें मतलब बनाने का शौक है और साथ ही साथ स्केचिंग पेंटिंग है, ये सब है। आप कितने घंटों मैंने पढ़ाई करती थी जिसकी वजह से इतना अच्छा मार्क्स आया? जी, ट्यूशन और स्कूल्स के अलावा ऐसे भी मतलब मिनिमम 5 से 6 घंटा या 7 घंटा, मतलब जितने ज़्यादा हो सकता था उस पर ध्यान देते थे स्टडीज़ पे, जिसकी वजह से ये अच्छा हो सका है। आप नौजवान तालिबे इल्म को क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासतौर से माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले जो पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम तवज्जो दे? आज के ज़माने में तालीम सब कुछ है, मतलब बगैर तालीम के यहाँ पर किसी को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, और आज तो हालत यह है कि इंसान एजुकेटेड ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो अपने नौकरी से महरूम है, तो इसलिए ये आज के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि तालीम इंसान हासिल करे, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ से जो हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी माइनॉरिटी में भी है क्योंकि यहाँ पर उन्हें दबाया जा रहा है किसी न किसी तरह से, तो हम तालीम के ज़रिए ही अपने आप को आगे ला सकते हैं, हम माइनॉरिटी से आगे बढ़ सकते हैं, इस मतलब इससे हम बाहर आ सकते हैं माइनॉरिटी के जैसे, तो इसीलिए तालीम के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें मुमकिन है, और हम अपनी बात को तभी रखेंगे जब हम तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखेंगे, क्योंकि बगैर तालीम याफ्ता अगर एक जाहिल इंसान को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी एक तालीम याफ्ता को दी जाती है, इसलिए यही मैसेज है कि हर कोई तालीम हासिल करे और ताकि तभी वो अपने कौम की और अपने ख़ानदान की नुमाइंदगी कर सकता है और अपने आप को अच्छा आगे रख सकता है बाकियों के मुकाबले। पैगंबर हजरत मोहम्मद के शान में गुस्ताखी और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग पे आलमगीर पैमाने पर एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं। आसनसोल में भी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां और जलसे मुनक्कद किए गए।
कल शाम रहमत नगर में आसनसोल इंसाफ फोरम की जानिब से अनोखे अंदाज में एहतजाज किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब के नुमाइंदे शरीक हुए। मौलाना मुबीन अहमद, सुरेंद्र सिंह, विंसेंट व्हीलर, राजू दास, मौलाना ईसा मिसबाही, मौलाना कारी इकराम, शाह आलम, एडवोकेट एजाज, खालिद खान, इसरार अहमद, मोहम्मद अजहर अली और काफी तादाद में मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र के लोग मौजूद थे। नूर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, मैं सम्मानित करूंगा, मैं हमारी जो यहाँ की सोसाइटी आसनसोल इंसाफ फोरम, मैं उनके सारे सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये जो नूपुर शर्मा और नवीन जंगल का विषय है, जो उन्होंने गुस्ताखी की है, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई भारतवर्ष या दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा जो धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। आने वाले समय में जब तक कायनात रहेगी, नूपुर शर्मा और जबी नवीन जिंदल को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। इन्होंने जो गुस्ताखी की है, ये गुस्ताखी अगर आज मैंने की होती तो शायद आईपीसी की कोई धारा 295 के तहत मैं अभी जेल में होता। तो नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल क्या अलग साथे में ढल की बनाई गई है बीजेपी पार्टी की तरफ से, क्या कि जो आज भी भारतवर्ष की इस धरती पे अपने घरों में बैठे हैं और हमारे भारत की सरकार ने उनकी परसेंटेज सिक्योरिटी बढ़ा के आज उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। मैं अपनी भारत की सरकार से मांग करता हूं कि जब मेरे जैसे आम आदमी अगर ऐसी गुस्ताखी करता है तो मेरी जगह जब जेल में है तो नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल अपने घरों में ऐसी कमरों में क्यों बैठे हुए हैं। आज हमने जो मुहिम इनके खिलाफ भारतवर्ष में छेड़ी है, मैं आपको बोलूंगा कि कभी भी इस मुहिम को ठंडे खाते में जाने नहीं देना है। हमने जिस तरह से अपनी आवाज भारत सरकार के पास पहुंचाई है, आने वाले समय में हम एकजुट होकर इस तरह से ही अपनी आवाज इन बहरे कानों तक पहुंचाएं और उनके कान के पर्दे फाड़ दें और वो मजबूर हो जाए इन नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को सलाखों के पीछे डालने में। इंसानियत के हम सब अलमबरदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बना दे। हमारे हमारा हिंदुस्तान जिस तरह मेल मिलाप से चल रहा था ऐसे ही चले, अल्लाह से यही दुआ है। और इन खबीसों को, इन कुत्तों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए और ऐसे ही दरिंदा दहन गुस्ताख लोग जब तक रहेंगे ये पूरा भारत ऐसे ही समझिए कि यानी पानी जिस तरह घोला हो जाता है ऐसे ही हिंदुस्तान में भी बदनदी फैलती रहेगी। इसीलिए लोगों से मैं कहता हूँ, लोग आज गुटखा खाते हैं, सुर्ती खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं और फेंक देते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सुर्ती चबा के फूकने से कुछ नहीं होगा। सुर्ती चबा के अभी कुछ दिन पहले उस संदीप पात्रा को देखिएगा, आप क्यों करता है, ये बोली बोलेगा तू फेंक रहा है बार बार। सुर्ती चबा के फूकने से कुछ नहीं होगा, सुर्ती चबा के फूकने से कुछ नहीं होगा और अपने वतन को फूकने से कुछ नहीं होगा। सुर्ती चबा के फूकने से कुछ नहीं होगा, अपने वतन को फूकने से कुछ नहीं होगा। और अभी तो सुनते हैं कि 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं मोदी जी, मोदी तो नहीं मोदी है, सांप जैसा मोदी है, डंक मारता है, ये भी डंक मारता है पूरे हिंदुस्तान वालों को। मालूम है कि जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जिस तरीके से बीजेपी की मिश्र प्रवक्ता जिन्होंने गुस्ताखी की थी, आज उसी के खिलाफ में यहां पर कुछ बात रखने के लिए आसनसोल इंसाफ फोरम की तरफ से यहां पे मैं लगाकर आपके सामने हम लोग कुछ बातें कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज सोचने की जरूरत है कि जिन्होंने गुस्ताखी का रसूल किया
और हमारे देश में जो सरकार चल रही है उनके ऊपर में विदेश से 57 कंट्री से दबाव आने के बाद में सिर्फ आईवास किया जाता है, सिर्फ आईवास किया जाता है, उनके पार्टी से उनको दखल किया जाता है। तो दखल क्यों, बल्कि पूरा देश, पूरा भारत यहां के मंच पे बैठे हमारे सिख भाई जो हमारे गुरुद्वारा कमेटी बनपुर के सुप्रेटी है भीमसेन गुले जी, जो ईसाई, जो क्रिश्चियन समाज से है यहाँ राजूदा, यहाँ पे हमारे इमाम साहब, ये हिंदुस्तान आसनसोल और बनपुर को जो कहा जाता था कि मेरी हिंदुस्तान अगर पे है तो आसनसोल बनपुर है, उसका जिंदा मिसाल ये बगीचा आपको दिख रहा है, ये आसनसोल हिंसा फोन का जो मंच लगाया गया है वो दिखा जा रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से आसनसोल हिंसा फोन दिखाना चाहती है कि आप देखिए आसनसोल के रोमकनगर में हमने जो मंच लगाया है वो बगीचा है, हिंदुस्तान उसे कहते हैं, हिंदू भी है वहां पे, वहां पे मुसलमान भी है, वहां पे सिख भी है, वहां पे ईसाई है, क्योंकि आज संविधान को बचाना है। आज जिस तरीके से पूरा देश हमारा उजड़ रहा है, हमारे नौजवान युवाएं जो हमारे पढ़ने का राज बेकार है, आज देश में देखा जा रहा है ट्रेनें चल रही है, देखा जा रहा है जगह जगह हमारे युवा पढ़े लिखे लोग बच्चे हमारे भाई छोटे छोटे, ये क्यों, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को इतना नीचे ले गए हैं कि हिंदुस्तान का नाम को आप खत्म करना चाहते हैं। आपकी ये इंतजारी नशीस है कि सबसे अलग खबर अब तक आसनसोल में सिर्फ मुसलमान सरापा एहतजाज थे, लेकिन आज की मीटिंग ने बता दिया मुसलमान आपके लड़ी से सिर्फ आपके मानने वाले मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि जितना आप मोहब्बत करते हैं एक सिख भाई की नदी से उतना ही मोहब्बत करते हैं, एक हिंदू भाई की नदी से उतना ही मोहब्बत करते हैं, और मेरे नबी रहमतुल आलमीन बनकर के आए, और इतनी दूर नहीं कि जब सब लोग हिंदुस्तान के इकट्ठा होंगे तो फिर हमें वो तारीख इलेक्शन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा 2024 का, उससे पहले काम करेंगे उसे हटा दिया जाएगा, इसलिए कौन की ताकत से बढ़ करके कोई ताकत नहीं। हमें सताया गया, मुसलमान मुसलमान के नाम पे हम मारे जा रहे हैं, मुसलमान नाम का जो शहर था उसका नाम बदला गया, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड है उसको बदल दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, बहुत सारे शहरों का नाम बदला, हम लोग खामोश है। हालांकि 800 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की वो ताकत थी कि खुद हिंदुस्तान जो मुल्क है इसका नाम बदल सकते थे वो लोग, लेकिन उन लोगों ने हिंदुस्तान ही रहने दिया, कभी भी मुल्क का नाम नहीं बदला। मुगलिया 800 साल के दौर में भी रामपुर रामपुर ही रहा, सीतापुर सीतापुर ही रहा, सीतारामपुर सीतारामपुर ही है, मुसलमान ताकत में रहने के बावजूद भी आपके धर्म का एहतराम किया, नाम नहीं बदला। आप हमारे आबाओजदाद के नाम पर जो शहर है वो बदले, हमें नारे काटे, हमारे घरों को जलाए, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बात आ गई मुसलमान जाने रहमत की, बात आ गई अल्लाह के हबीब की, जिनके सदके में कायनात बनी है, अब मुसलमान अब मुजाहरा नहीं करेगा बल्कि अपनी जान की कुर्बानी देकर के अपने नबी की इज्जत का दिखा रहे। मैं जो लोग लीक कर रहे थे उस इजलास को, उस तहरीक को जो लोग लीक कर रहे थे उनके खिलाफ यूएपीए का नहीं लग सकता है, मुकुल शर्मा नवीन जिंदर के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लागू हो सकता है, कोई हमें समझा दे। मैं यहाँ इस मंच से मुकाबला करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकाबला करता हूँ, नवीन जिंदर और मुकुल शर्मा के खिलाफ एनएसए भी अप्लाई होना चाहिए, यूएपीए भी अप्लाई होना चाहिए, और आईपीसी का जो जनरल धारा है 298 वगैरह वो तो लगना ही लगना चाहिए। और ये ऐलान कर रहा हूँ आसनसोल इंसाफ फोरम की तरफ से कि आने वाले दिनों में शर्मा, हमने इतना लंबा टाइम इसी में लिया था कि अगर शायद बीच में लोगों शर्मा के रेस्ट में हो जाए नवीन जिंदल को हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मामला हाथ से निकलता जा रहा है और ये कोशिश में है कि इतना लंबा वक्त खुजेगा ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ताकि अल्लाह जान कर ले इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं जाना जा रहा है, किसी भी हाल में हर रोड पे हर गली पे हर चौराहे पे माइक लगा के
बंद करेंगे उन दोनों मरूद और मरूना को गिरफ्तार करवाने के लिए, उनके अरेस्टिंग के लिए अपने जान की बाजी में लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा हमारा नहीं है। सुनिए, 2014 में आने के बाद, 2014 में सरकार में आने के बाद पहला मोबिलिटी पूरे में हुआ था 2014 के लास्ट में। उस वक्त से लेके आज तक जितने जो मॉब लिंचिंग हुई है, नौजवान लड़कों को पकड़ पकड़ के किसी को किसी केस में, किसी को किसी केस में पकड़ पकड़ के तुमने जान मारा है, उनका उनका मर्डर किया है, उसके बावजूद हम खामोश रहे, हमारे घरों को तोड़ा, हमारी औरतों के साथ तुमने कहा कि कब्र से निकाल करके रेप करेंगे औरतों का, मुसलमान जो ब्रह्मा बन होगा, ये चीज मिनिस्टर बोल रहा है, ये चीज मिनिस्टर की जबान है, ये बोला तुमने, हमने खामोशी देश को बर्दाश्त किया, तुमने तमाम तरह के मजालिम खाए, तुमने तमाम तरह के जुल्म किया हमारे पर, हम खामोश रहे, लेकिन एक बात जान लो, हम वो लोग हैं जो हम तो कौमी मुल्क भी नहीं मानते, नहीं सुन सकते, हम तो कौमी अदालत भी नहीं सुन सकते, और जिसने अदालत का निजाम दिया है तुम अगर उसकी तौहीन करोगे तो किसी कीमत पर बर्दाश्त करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, हम तो कौमी अदालत के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ चुपचाप उसका कमाल कर देखे, ये सरकार से बाहर है, यही वजह है कि हम लोगों ने इंतजार किया, जैसा कि कहा है जांच ने कि इसको देख लिया जाए कि यहाँ की सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, और अगर नहीं लेती है तो जाहिर सी बात है कि आज या कल हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थान पर गुस्ताख करने वालों को माफ नहीं करेंगे और उसके मुखालफत पे उतरेंगे। मत जोड़ो आतंक के बाद का नाम मदरसों से, मदरसों से मत जोड़ो आतंक के बाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, बाबा कहते मदरसा के कि यहाँ कराने पाक की हर लम्हा तिलावत होती, यहाँ कराने पाक की हर लम्हा तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। हलफ लेते वक्त आपने हिंदुस्तान के हर वाशी का प्राइम मिनिस्टर होने का हलफ लिया था, लेकिन आप जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपका नारा एक था, क्या उस नारे को हकीकत में भी आपने तब्दील किया, उसकी एक मिसाल देता हूं। यह भी किसान आंदोलन था, कई महीनों तक चला, 150 से ज्यादा आदमी मरे, प्रधानमंत्री के पास उनके लिए एक मिनट का टाइम नहीं था कि जाकर के हम उनसे कुछ गुफ्तगु करें और उनकी बात सुने, लेकिन अंबानी का पोता पैदा हुआ तो हॉस्पिटल उनको बनाए लेने को बच गए थे। इससे भी नहीं समझ में आती बात, इससे भी नहीं बात समझ में आती, मर रहा अब प्राइम मिनिस्टर को एनी एनिमल और स्पेशल कम्युनिटी, यू आर प्राइम मिनिस्टर फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु आर हिंदुस्तानी और बात, आप हर हिंदुस्तानी को प्राइम मिनिस्टर, यू तो तारीख ने हमारे साथ सौतेला सुलूक किया है, हम आपके सौतेले सुलूक से इतने हिम्मत और हौसले को नहीं हारे, हमारा दिल जख्मी उतना नहीं हुआ, लेकिन जब आपकी सरकर्दगी ने आपकी आंखों के सामने आपके ही इर्द गिर्द के चमचे और आपने जिन्हें कुर्सियां दी है, वो जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने पर आया तो मुसलमान बिलक कर रह गया है, मुसलमान सिसक कर रह गया है, मुसलमान तड़प कर रह गया है, और उसकी तरफ रंग लाकर रहेगी, उसकी शीशक रंग ना कर रहेगी, उसकी शीशक रंग ना कर रहेगी। आप जैसे कुर्सी वाले, आप तो सिर्फ एक खत्ते के वजीर आजम हो सरार, आप हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम हो जो दुनिया भर के खुदा होने का दावा करते थे, वो तो खाक में मिला दिए गए,
मच्छर से मार दिए गए। क्या बात है। वो हलाकू जो अपने जमाने का ऐसा कातिल गुजरा, उसका नाम सुनकर आज भी बड़े बड़े खिलाड़ियों का कितना पानी हो जाता है। बगदाद में तक इतरा रहा था उलमा मशायख कि तीन सफे पकड़कर लाई गई, तीन लाइन की हुक्म हुआ कत्ल करो। वो बॉल से खेलता था, एक लाइन कत्ल हुई पहले लाइन में। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। फर्स्ट शाइन नर्सिंग होम रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहां 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की facilities उपलब्ध है, जैसे emergency 24/7, modular OTs, ICU, NICU, HDU, pharmacy 24/7, daycare unit, dialysis unit, dental unit, diagnostic and pathological service. With fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. Hamara pata hai Bhagat Singh Mod, Asansol, 713304. Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280253. अपने घर को बनाए और भी सुंदर, क्योंकि KGN वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज वॉलपेपर, PVC, मेट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन, मैरिज हॉल, स्माइल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी, पाइप लाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कॉन्टेक्ट करें 8250-259-567। गर्मी में खून की किल्लत को देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 42 नंबर वार्ड में काउंसलर डॉक्टर अमिताभ बासु की क्यादत में खून हत्या कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर अमिताभ बासु ने जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड के कर्मियों की मदद से ये प्रोग्राम कामयाब हो सका। इस कैंप में वजीर मुलाय घटक, ADDH चेयरमैन तापस बनर्जी, AMC चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MIC गुरदास चटर्जी खास तौर से मौजूद थे। अनुरोध जानाच्छी आमी आमादेर काउंसिलर डॉक्टर अमिताभ बासु महाशय के
45 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ঘোষিত মেয়র আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন 45 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উদয় দাকে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সেই সঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফ্ল্যাট দিচ্ছে আমাদের অলরেডি 50 জন নাম লিখে ফেলেছে আমরা আবার রিজার্ভ করে রাখছি 15 আগস্ট আমরা আবার করব তখন আবার সবাই দেবে এত মানুষের ছাড়া এবং আমাদের কর্মীরা এত উৎসাহ নিয়ে সকাল থেকে এর মধ্যেই আমার 10:30 স্টার্ট করে 21 মিনিট হয়ে গেছে আমাদের আমার প্রত্যেককে ধন্যবাদ আমাদের 42 নম্বর কর্মীরা আমাদের আজকে মাননীয় মন্ত্রী এসছেন আমাদের চেয়ারম্যান এসছেন কর্পোরেশনের গুরুদাস সেক্রেটারি এসছেন এবং আরও প্রত্যেকে আসবেন তাপস ব্যানার্জি এক্ষুনি আসবেন প্রত্যেকে আমাদের সহযোগিতা করছেন এবং সবথেকে বড় কথা আমাদের 42 নম্বরের ওয়ার্ডের বাসিন্দারা যারা এরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফ্ল্যাট দিচ্ছে তাদের ধন্যবাদ এবং আজকে আমরা 50 মিনিট এখানে করবো সবুজ পল্লীতে 15 আগস্ট আমরা আবার করবো সেদিনকে আমরা বাকি ফ্ল্যাট ডোনেশন নেব আজকে আমরা 50টা এখানে করব স্যার গ্রীষ্মকালীন সময় রক্ত সংকট দেখা যায় কিন্তু আপনাদের মতন এরকম আরও অনেক সংগঠন এগিয়ে আসুক অনেক দল এগিয়ে আসুক জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রক্তদান শিবিরকে আরও বড় আকারে তুলে ধরুক কী বলবেন তাদের দেখুন বেশিরভাগ আমাদের যে ব্লাড ডোনেশন কানেকশন হয় সেগুলো সবাই ভলেন্টারি ব্লাড ডোনেশন কানেক্ট হয় এরকম মানুষ যারা আছে ভলেন্টারি ব্লাড দেয় বলেই আমাদের হয় তবুও আমাদের যা ব্লাড কানেকশন হয় গোটা ভারতবর্ষে তার 25% শর্টেজ থেকেই যায় সবসময় এবং বিশেষ করে যখন ড্রাই সিজন মানে গরমকালটা চলে তখন বেশি পড়ে এবং আমাদের স্কুল কলেজ আমরা আমি বিবি কলেজের প্রিন্সিপাল আমরা কলেজেও অনেক ডোনেট ব্লাড ডোনেট করি এরকমভাবে ওয়ার্ডের মানুষরা এগিয়ে আসছে এরকম যদি সবাই এগিয়ে আসে তাহলে কিন্তু প্রত্যেক মানুষের প্রাণ বাঁচবে আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের পশ্চিম কোনো মানুষ ব্লাড না পেয়ে হসপিটালে মারা যাবে এটা আমার জন্য আমার প্রত্যেককে এখনো যারা রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তুলতে পারেনি তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবো তাদের উদ্দেশ্যে একটাই বলা যে মানুষের মধ্যে যে ভয় আছে অনেকে মনে করে যে ব্লাড দিলে হয়তো শরীরে ক্ষতি হবে তাদের খালি এটুকুই বলা ব্লাড দিলে শরীরে কোনো ক্ষতি হয় না তাহলে একটুখানি ইন্টারনেট এখন সবাই আছে ইন্টারনেট দেখুক এবং আজকে এখানে এত মানুষ ব্লাড দিচ্ছে তাদেরকে দেখে অনুপ্রাণিত হোক তাদের থেকে তারা দেখুক যে কী হয় ব্লাড দিলে তার আনন্দ হয় এবং একটা মানুষের জীবন বাঁচানো যায় ব্লাড ডোনেশনের থেকে বড় দান কিছু নাই যে সবথেকে বৃহত্তম দান কারণ এই দানের মাধ্যমে মানুষ একটা মানুষের জীবন বাঁচানো যায় সামনে স্যার সামনে সামনে স্যার ঠিক আছে সামনে সব আসছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ রামগঞ্জের যে এলাকাটা আমাদের কৃষক তোমাদের অসুস্থ সঙ্গ সহযোগিতায় এই মাঠের চারিদিকে আপনার প্রায় 124টা কত 117টা গাছ লাগালো আমরা দেখি অনেক জায়গায় যেটা আমাদের অভিজ্ঞতা আছে গাছটা লাগিয়ে চলে এলো তারপর সেই একটা ট্রিগার থাকে না যার জন্য গাছটা বিকেলবেলা কেউ গরু ছাগল মুখ দিয়ে দেয় গাছটা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এনাদের এখানেই এনারা সাকসেসফুল যে এরা প্রত্যেকটা গাছের ট্রিগার দিয়েছেন এবং 4 বছর অঙ্গীকার করেছেন যতদিন না গাছটা নিজে প্রকৃতি থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ না তারা গাছটাকে মেনটেন করবে আমার মনে হয় 1-2 বর্ষ পেলে গাছগুলো নিজে দাঁড়িয়ে আর যে গাছগুলো তাড়াতাড়ি বাড়ে যেমন শিশু গাছ কদম গাছ যেগুলো প্রচুর সবুজ হয় আর কি প্রচুর বেশি অক্সিজেন ইনপুট করতে পারে সেই গাছগুলি এরা নিয়েছে খুব ভালো উদ্যোগ এর লাভ আমরা হয়তো ডাইরেক্ট পাই না মানুষও এর গাছের লাভ ডাইরেক্ট পায় না কিন্তু এর যে কত ইনডাইরেক্ট লাভ আছে আমরা যদি একটু এটা এবার চর্চা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আজকে প্রকৃতি যে বিস্ময় হয়ে যাচ্ছে এই যে বাতাসে বিষ হয়ে যাচ্ছে এটাকে একমাত্র গাছই বাঁচাতে পারে এনারা একটা শুভ উদ্যোগ নিয়েছে ভালো উদ্যোগ নিয়েছে আমি এদের এখানে আসতে পারি আমার খুব ভালো লাগে ধন্যবাদ দাদা মোবাইল আচ্ছা এই যে দিদা
अरे बाबा हाँ ठीक है ট্রাস্টের উদ্যোগে যেহেতু মমতা ট্রাস্ট আমাদের কর্পোরেশনের বিভিন্ন ট্রেনিংগুলো করায় সেই জন্য আমরা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই ব্লাড ক্যাম্পটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের এখানে কাউন্সিলর জিতু সিং রয়েছে, আমাদের যিনি সিএনটি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের মানে যিনি প্রধান আমাদের শ্যামবাবু রয়েছেন, কৃষ্ণ রয়েছে, আমাদের আরও সমস্ত ইয়েরা রয়েছেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারও রয়েছেন, অনির্বাণ রয়েছেন সুডার পক্ষ থেকে, এজেন্সির পক্ষ থেকে সবাইকেই ধন্যবাদ জানাই, যারা রক্ত দিচ্ছে তাদেরও ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। যে আজকে রক্ত ইয়ে রয়েছে, ক্রাইসিস রয়েছে, এই ক্রাইসিসের মধ্যেখানে আমাদের কর্পোরেশন এবং মমতা ট্রাস্ট ভাবনা চিন্তা করেছে এবং আসানসোল কর্পোরেশনের সদস্যরা চিন্তা করেছেন যে তারা রক্ত দেবে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আগামী দিন ভগবান যেন তাদের মঙ্গল করেন। এই ভাবনা যদি জেগে থাকে তাহলে আসানসোলে কোনোদিনই রক্তের অভাব হবে না। नाजिर आज के लिए बस इतना ही। अपने आसपास के अहम और ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।